दोस्तों कि आपका मोबाइल फॉर्मेट हो गया है, रीसेट हो गया है। अब आपको यहाँ पे देखिए फोटो डिलीट हो गए हैं, वीडियो डिलीट हो गए हैं, यहाँ पे पूरा आपका डाटा डिलीट हो गया है। आप लोग मोबाइल रीसेट करने के बाद जो डिलीट फोटो आपका हो गया है, डाटा हो गया है, इससे आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो कैसे वापस ला सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। 2024 में आप लोग इसे रिकवर करना चाहते हैं, अभी आपका देखिए डिलीट हुआ फॉर्मेट हुआ है या बहुत पहले फॉर्मेट हो गए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, आप लोग वापस लाना चाहते हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो भी देख लिए हैं, तो दोस्तों आज जो तरीका बताऊँगा इसके जरिए आप लोग कैसे रिकवर कर पाएंगे वो बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग ये सब कुछ समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी फोटो को रिकवर करना चाहते हैं, डाटा को रिकवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम कर देना है, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर या कमेंट वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है कि आपका कौन सा मोबाइल है, जैसे आप लोग रियलमी, रेडमी, सैमसंग जो भी देखे मोबाइल यूज करते हैं, यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। फिर जैसे आपका मोबाइल देखे फॉर्मेट हो गए, रीसेट हो गए, आप लोग का देखे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिकवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बता दूँ तो आपको क्या फॉलो करना होगा। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपका मोबाइल फॉर्मेट नहीं हुआ है अभी तो क्या करना होगा, अगर फॉर्मेट हो गए, रीसेट हो गए तो क्या करना होगा वो बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं हुआ है, अगर आपका देखे फॉर्मेट नहीं हुआ, रीसेट नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग को फॉलो कर लेना, इसे देख लीजिए। फिर जैसे आपका देखिए रीसेट हो गया है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हमें यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, तो यहाँ पे सभी सेटिंग्स शो करी हैं। आपका देखिए कोई भी मोबाइल हो सकता है, आप लोग सभी पे ये सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। हमें नीचे आना है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे नीचे सुकरा बैकअप एंड रिस्टोर। देखिए सभी मोबाइल में बैकअप का ऑप्शन शो करता है, तो वहाँ पे आपको जाना नहीं, बैकअप लिख के सर्च कर लेना, नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं आप लोग सोचेंगे ये क्या बता रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, तो पहले आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन शो करें, मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर, इसे आप लोग वहाँ पे डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब बैकअप ले सकते हैं। मैं इसे रहने देता हूँ और नीचे आना है और यहाँ देखें क्लाउड, यहाँ देखें जो भी आप लोग मोबाइल यूज करेंगे वहाँ पे क्लाउड जरूर होता है, या देखें आप लोग सैमसंग हो, वीवो हो, कोई मोबाइल हो, सभी में क्लाउड होता है, तो आपको यहाँ पे करना होगा। इसके पहले यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखें गूगल ड्राइव बैकअप, बैकअप माई डाटा, यहाँ बैकअप अकाउंट, यहाँ पे आ जाना है। अगर आपका कोई भी अकाउंट यहाँ पे जीमेल सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई भी एक जीमेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ऑटोमेटिक रिस्टोर इसे ऑन कर देना है, बस आपको इतना कर देना है। और यहाँ बैकअप माई डाटा, यहाँ पे आपको टर्न ऑन बैकअप, यहाँ पे इसे ऑन कर देना है। इससे ये रहेगा, सबसे पहले बता दूँ, जैसे आप लोग ये बैकअप ऑन कर देते हैं, और इसके पहले ये क्लाउड वाले का बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें भी देखें सेम प्रोसेस है, ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें मैसेज, कॉन्टेक्ट, और देखे नोट्स, कैलेंडर, कॉल, मतलब सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो जो ऑन करना चाहें यहाँ पे देखें सभी को ऑन कर देना है। इससे ये रहेगा आप लोग ऑन कर देंगे और फिर यहाँ बैकअप ऑन, यहाँ पे क्लिक करना है, बैकअप को ऑन कर देना है। फिर यहाँ ऑटोमेटिक बैकअप, इसे भी आपको ऑन कर देना है। और यहाँ बैकअप शेड्यूल, आप कब तक का बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में अगर डाटा प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड डाटा है, तो आपको एवरी डे कर देना है, नहीं 7 दिन भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद बैक आ जाना है, बैकअप नाउ कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में बैकअप लेता रहेगा, चाहे ये देखें सभी यहाँ पे बैकअप लेगा, चाहे आपका वो देखें आप गूगल ड्राइव में कर सकते हैं या जो मोबाइल है उसका क्लाउड में कर सकते हैं। इससे ये रहेगा आप लोग इतनी सेटिंग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। फिर इसके बाद आपका मोबाइल चाहे देखें फॉर्मेट हो जाता है या रीसेट हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे देखें जो आपकी जीमेल है, यहाँ पे देखें जो क्लाउड में जीमेल है, इसको लॉगिन कर लेना है। फिर आपको इसी पे आना है, यहाँ पे आपको रिस्टोर कर लेना है, यहाँ देखें ऑटोमेटिक रिस्टोर है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे क्लिक करना है, यहीं से आप लोग बहुत आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जैसे अभी तक फॉर्मेट नहीं हुआ, रीसेट नहीं हुआ, तो इतने सेटिंग कर लेना है, तो आपका देखें जो भी डाटा है कितना भी फॉर्मेट हो फिर भी आपका वापस आ जाएगा। दोस्तों जो सेटिंग बताया हूँ ये तो हो गए जैसे अभी तक आपका फॉर्मेट नहीं हुआ, अगर आपका फॉर्मेट हो गया, रीसेट हो गया, अब आप लोग वापस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए देखें काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं पूरा आपका देखें डाटा रिकवर नहीं करती, कुछ फ़ोटो आती हैं, कुछ फ़ोटो नहीं आती हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका सभी देखें डाटा वापस नहीं आएगा। तो बेस्ट तो वही है पहले वाले बता दिया हूँ, लेकिन आपका फॉर्मेट हो गया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है, आपको देखें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मैं एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें एप्लीकेशन ओपन हो रहा, हमें वेट करना है। यहाँ पे देखें जो भी परमिशन आपके मोबाइल में मांगे सभी परमिशन को आपको अलाउ करना होगा, तो हमें वेट करना है। फिर यहाँ कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा
और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे देखिए फोटो, मैसेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लोग सभी कुछ रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको फोटो रिकवर करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ फोटो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फोटो वाले पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ टैब टू स्टार्ट स्कैनिंग यहाँ पे क्लिक करना है तो दोस्तों ये आपका मोबाइल स्कैन करेगा। देखिए जो भी फोटो है यहाँ पे देखिए वापस लाएगा, लेकिन ये रहता है जो आपके गैलरी फोटो होती हैं कुछ फोटो तो ये वही डिटेक्ट कर लेता है, डिलीट वाली कुछ आती हैं लेकिन सभी नहीं आती है। तो यहाँ पे वेट कर लेना है, यहाँ पे स्कैन कंप्लीट होने देते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर भी चल रहा है कितना स्कैन हो गया है। जितना ज्यादा देखिए आपके मोबाइल में फोटो या डाटा होगा उतना ज्यादा यहाँ प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए स्कैन कंप्लीट हो गए हैं, 3330 यहाँ पे फोटो हैं, 14 फोल्डर हैं। फिर जैसे जो भी आपका फोटो है वापस लाना चाहें, यहाँ पे देख सकते हैं सभी फोल्डर सूख रहे हैं। जो भी फोटो है आप लोग रिकवर करना चाहें तो आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपका ये फोटो है आपको क्लिक करना है, जो भी फोटो वहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, नीचे देख सकते हैं रिकवर, आपके यहाँ रिकवर वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ रिकवरिंग स्टार्ट हो जाएगा। वेट करना है, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और यहाँ पे देखें फाइल सेव, ये देखें मोबाइल की गैलरी में सेव हो गए। तो दोस्तों इस तरह आप लोग बहुत आसानी से आप लोग देखें अपना मोबाइल जैसे फॉर्मेट हो गए, रीसेट हो गए तो आप लोग यहाँ पे डिलीट हुई फोटो को इस तरह वापस ला सकते हैं।